हेलो एवरीवन, दिस इज़ मी डॉक्टर रईस बाबर, फिजियोथेरेपिस्ट। तो ACL रिकंस्ट्रक्शन की फर्स्ट एपिसोड में हम बात करेंगे कि पेशेंट को 2 to 4 वीक में हमने कौन कौन सी एक्सरसाइज अप्लाई करनी है। और फर्स्ट में तो पेन कंट्रोल, आपने पेन कंट्रोल के लिए आइसिंग यूज़ करनी है। सबसे पहले हम आइसिंग यूज़ करेंगे, 15 टू 20 मिनट्स के लिए हम आइसिंग अप्लाई करेंगे पेशेंट की पेन कंट्रोल के लिए, और उसके साथ ये 3 एक्सरसाइज हैं ये अप्लाई करेंगे। तो लेट्स सी जी। तो फर्स्ट एक्सरसाइज में आपको कॉटन रोल चाहिए। कॉटन रोल है तो कॉटन रोल के अलावा अगर आपके पास टॉवल है तो उसे आप रोल कर सकते हैं। तो आपने ये नी के नीचे रखना है और नी को नीचे की तरफ पुश करना है। नी को नीचे की तरफ पुश करेंगे, होल्ड रखेंगे 3 सेकेंड, 1, 2, 3, रिलैक्स। अगेन इसी तरह हम दोबारा से अगेन नीचे की तरफ पुश करेंगे, होल्ड रखेंगे 3 सेकेंड, 1, 2, 3, रिलैक्स। अगेन 1, 2, 3, 4, 5, रिलैक्स। ये हम 15 टू 20 रेपिटेशन के साथ ये करेंगे। सेकंड में आपने कॉटन रोल को आपने इधर अप हील के नीचे रख लेना और नीचे की तरफ पुश करना है। नीचे की तरफ पुश करेंगे और इसको भी होल्ड रखेंगे आप 3 to 5 सेकंड, आपने होल्ड रखना है, रिलैक्स। अगेन पुश करेंगे नीचे की तरफ, जोर लगाएंगे, 1, 2, 3, 4, 5, रिलैक्स। अगेन फिर दोबारा से जोर लगाएंगे, 1, 2, 3, 4, 5, रिलैक्स। चलें जी, ये भी आप 15 टू 20 रेपिटेशन के साथ करेंगे। और फिर थर्ड एक्सरसाइज में पेशेंट ने सीधा लेट जाना। पेशेंट सीधा लेट जाएगा, पहले तो आपने प्लांटर फ्लेक्शन करवा के फिर उसके बाद स्लाइटली हील को आपने बेंड, नी को बेंड करना है। चलिए फिर प्लांटर फ्लेक्शन करवाएंगे और आपने नी को बंद करना है, हील को स्लाइटली मूव करके नी को बंद करेंगे, जितना इजीली पेशेंट इजीली जितना पेन फ्री वो मूव कर सके। चलिए फिर ऐसे ये भी आप 15 से 20 रेपिटेशन के साथ करेंगे। और फर्स्ट में तो आपने सबसे पहले तो पेन कंट्रोल के लिए आइसिंग अप्लाई करनी है। आइसिंग अप्लाई करने के बाद फिर ये 3 एक्सरसाइज है, 2 to 4 वीक में आप ये अप्लाई करेंगे। फिर नेक्स्ट में आपने मतलब के 4 to 6 वीक में आपने दूसरी एक्सरसाइज, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कौन सी एक्सरसाइज। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।